नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही स्पेशल सुंदर से प्लांट के बारे में जिसका नाम है डोरेंटा। ये पूरी साल ही फूल देने वाला प्लांट है। आप इसके फूल देखिए, छोटे छोटे से कितने सुंदर इस पर फूल आते हैं और गुच्छों में इस पर फूल आते हैं। ये प्लांट काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है जैसे कोई भी हमारी बेल वगैरह एकदम से फैलती है चारों तरफ से। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं और हर एक ब्रांच पर ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो ये प्लांट आपको कहीं भी मिले ज़रूर लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा गार्डन में और इतने अच्छे अच्छे फूल आपको इस पे देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि इसके जो फूल हैं इनमें बहुत ही हल्की हल्की सी खुशबू होती है, तो तितली मधुमक्खी बहुत ज़्यादा इस पर आती हैं, तो बहुत ही आराम से ये प्लांट चलता रहता है। अब बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। जब भी इस प्लांट को आप लेकर आते हैं, इसकी मिट्टी आप जब भी बनाएं तो उसमें आप 70% मिट्टी और 30% खाद मिला के इसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से चलेगा। अगर थोड़ी और अच्छी रिच मिट्टी आपको इसके लिए बनानी है जिसमें पानी बिल्कुल ज़्यादा ना रुके और अच्छी रहे, तो उसमें आप थोड़ा सा सैंड या कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सनलाइट अच्छी चाहिए, जहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो आप ऐसी जगह पर इसको रखिए। सनलाइट अच्छी मिलेगी तो उसमें फूल बहुत अच्छे आएंगे। और फर्टिलाइज़र इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में देते रहें, जैसे कि हम बाकी अपने फूल वाले प्लांट्स में देते हैं, तो फूल आपको इस पर बराबर रेगुलर दिखते रहेंगे। तो फर्टिलाइज़र आप इसमें मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, कंपोस्टी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दोनों काम करते हैं, तो जो भी आपके पास हो आप वो दे दीजिए। और अगर बारिश वारिश ज़्यादा हो रही है तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा एक दो मुट्ठी कंपोस्ट डाल सकते हैं इसमें, तो बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ होगी और इस पर फूल बहुत अच्छे आएंगे। वैसे इस पर पूरी साल फूल आते हैं, लेकिन अभी जैसे बारिश के मौसम में इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इस टाइम में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी इसकी होती है। अगर फूल नहीं आ रहे हों इस प्लांट पर तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसकी ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए, जिस शेप में आप इसको रखना चाहें उस शेप में आप इसको रख सकते हैं। इसकी टोपियारी भी बहुत अच्छी बनती है, आप इसको हार्ट शेप में या फिर बॉल शेप में किसी में भी इसको इस तरह से बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से उसी उसमें सेट हो जाता है। तो इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग करने के बाद काफ़ी सारी ब्रांचें आएंगी और फूल भी फिर ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, ये प्लांट अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो अलग ही सुंदरता बढ़ जाएगी, बिल्कुल बंचेस में फूल इसमें आते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कोई देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। बस रेगुलरली फर्टिलाइज़र देना है और एक बार अच्छी से मिट्टी बना के इसको लगा लेना है, तो बढ़िया ग्रोथ होती रहेगी। इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला लीजिए, छोटे गमले में ये बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी इसकी जड़ें फैलती हैं बड़ा होता है, तो बड़ा गमला लीजिए इसके लिए। और अगर आप नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं तो और भी अच्छा है। इसको हैच वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो किसी भी बॉर्डर बनाने के लिए, किनारी बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ ग्रोथ होती है और सुंदर भी लगता है, इस पर फूल भी आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्लांट ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच। जय सियाराम, गणपति बप्पा मोरिया।